इतने लंबे समय से कोर्ट के चक्कर काट रही इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर के लिए लिस्ट कर दिया था और उसी के साथ 3 दिन की इंटेंस कोर्ट हियरिंग के बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें की सीजीआई चंद्रचूड़, जस्टिसेस संजीव खन्ना, बीआर गवई, जेपी पारदीवाला और मनोज मिश्रा मौजूद थे ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया है। आपको सुनकर बेहद हैरानी होगी कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पिछले 8 सालों से पेंडिंग था। इस मामले को शायद अब जाकर इसलिए भी उठाया गया है क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शंस होने वाले हैं और इस केस का फैसला उन इलेक्शंस पर एक बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। इस 3 दिन की कोर्ट हियरिंग ने काफी कुछ देखा है और इस मामले में हियरिंग काफी लंबी भी चली है। तीसरे दिन कोर्ट ने कपिल सिब्बल और तुषार मेहता में बहस होती देखी और ऐसा क्या हुआ कि सीजीआई चंद्रचूड़ और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने थोड़ी देर सारी हियरिंग पॉज कर दी। इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई इम्पोर्टेंट ऑर्डर्स पास करते हुए सेंटर और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शंस दिए हैं, जिसे हम इस वीडियो में देखेंगे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, जो कि पेटिशनर्स की ओर से मौजूद थे, ने इस बात पर रोशनी डाली थी कि देखा जाए तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज नॉट रियली एनोनिमस, क्योंकि कोई पर्सन अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देगा तो वो खुद ही इस बारे में इन्फॉर्म कर देगा एज टू डिराइव बेनिफिट्स बाय मींस ऑफ एंगेजिंग इन अ क्विड प्रो को अरेंजमेंट। जैसे कि आपको मालूम है, पिटिशनर्स जो कि इस केस में पॉलिटिकल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एनजीओस, कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स थे, ने फाइनेंस एक्ट 2017 के उन प्रोविजंस को चैलेंज करते हुए पिटिशन फाइल किया है जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए रास्ता बनाया था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जिस वजह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लाया गया था वो काम करने की जगह उसने पॉलिटिकल फंडिंग के मैटर को कम्प्लीटली ओपेक कर दिया है और ऐसे में सिटीजंस के पास जो राइट है, द राइट टू इंफॉर्मेशन, वो इस केस में प्रोहिबिट हो जाता है। सेंटर की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को डिफेंड करते हुए कहा कि अगर इस मामले में ट्रांसपेरेंसी बनाई जाएगी तो वो डोनर्स के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है, क्योंकि ऐसे में पार्टीज का रिट्रीब्यूशन सहना पड़े जिनको उन्होंने डोनेशन नहीं दिया है। और तो और, सॉलिसिटर जनरल मेहता ने बेंच से इस बात का भी निवेदन किया है कि वो इस मामले में अनोनिमिटी और ओपेसिटी जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ने डोनर्स को एक कॉन्फिडेंशियलिटी दी है। जहां हमेशा कोर्ट हियरिंग्स में झगड़े देखने को मिलते हैं, उधर ही कुछ अनोखा देखने को मिला है जब सीजीआई और तुषार मेहता दोनों ने हियरिंग पॉज करके कपिल सिब्बल की तबीयत पर ध्यान दिया। तीसरे दिन की हियरिंग की शुरुआत हुई सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को डिफेंड कर रहे थे। हालांकि उन्होंने हियरिंग शुरू करने से पहले पिटिशनर्स की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल को ढूंढने की कोशिश की, जो कि कोर्ट में मौजूद नहीं थे। मिस्टर मेहता वाज टोल्ड समथिंग बाय द टीम ऑफ मिस्टर सिब्बल हु इज अपीयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर्स, एंड व्हेन जस्टिस चंद्रचूड़ आस्क्ड हिम व्हाट हैड हैपेंड, He said it was something personal and not connected to the hearing. Senior advocate Sibal के आते ही hearing resume हुई, पर उसी दौरान मेहता ने कहा कि Sibal is not feeling well और इसी के साथ उन्होंने senior advocate को अपने chambers को use करते हुए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मौजूद रहने की सलाह दी। ये बात सुनकर सीजीआई चंद्रचूड़ ने भी हियरिंग पॉज करते हुए सिब्बल की तबीयत की पूछताछ की और उन्हें सजेस्ट किया कि वो चाहे सुप्रीम कोर्ट कॉन्फ्रेंस रूम में भी जा सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कोर्ट में मौजूद रह सकते हैं। द सीनियर एडवोकेट डिसाइडेड टू टेक अप जस्टिस चंद्रचूड़ ऑन द ऑफर एंड जॉइन द हियरिंग फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस रूम अंटिल लंच। हालांकि लगता है कि लंच के बाद कपिल सिब्बल को बहुत ही अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो वापस फॉर्म में आ गए और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ बहस करते हुए दिखे। ये बहस इसलिए भी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि कोर्ट हियरिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के पॉलिटिकल टाइज को लेकर बहस करने लगे। सॉलिसिटर जनरल मेहता, जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को डिफेंड करते हुए कह रहे थे कि अगर एक डोनर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो ऐसे में उसे पॉलिटिकल पार्टीज का रिट्रीब्यूशन सहना पड़ेगा। इसी का एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक पार्टी कांग्रेस को डोनेशन दे रही है तो वो ऐसा नहीं चाहेगी कि बीजेपी को इस बारे में पता चले। ही सेड, kindly appreciate the example if it is comfortable to Mr. Sibal, just on the lighter side. Suppose that as a contractor, I donate to the Congress party. I do not want BJP to
टू नो बिकॉज इट माइट फॉर्म अ गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट डेज। हालांकि इस पॉइंट पर सिब्बल ने उन्हें याद दिलाते हुए कहा कि शायद मेहता भूल गए हैं कि वे अब कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं हैं। Stating that my learned friend seems to have forgotten that I am no longer a member of the Congress party। हालांकि इस पॉइंट पर अब एस जी मेहता शांत कैसे रहने वाले थे और सिब्बल की ये बात सुनकर उन्होंने तुरंत जवाब देते हुए कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस लीडर के बिहाफ में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल कोर्ट में मौजूद थे। इस पॉइंट पर कपिल सिब्बल ने भी तुरंत काउंटर करते हुए कहा कि एस जी मेहता भी यूनियन की तरफ से मौजूद है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। जिस पर एसजी मेहता ने तुरंत जवाब देते हुए कहा एब्सोल्युटली नॉट। जिस पर फिर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी जवाब दिया सो आई एम नॉट ईदर। मामले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि सीजीआई इलेक्शन कमीशन से काफी नाखुश भी दिखे हैं। जैसा कि आपको याद होगा डे टू की हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इलेक्शन कमीशन को रेडी रहने के लिए बोला था विद द डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज पर द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरिम ऑर्डर ऑफ अप्रैल 12, 2019। आपको बता दे कि अपने 2019 के ऑर्डर में कोर्ट ने डायरेक्ट किया था ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज वो हैव रिसीव्ड डोनेशंस थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू सबमिट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन सील्ड कवर डिटेल्ड पर्टिकुलर्स ऑफ द डोनर्स एज अगेंस्ट द ईच बॉन्ड द अमाउंट ऑफ ईच सच बॉन्ड एंड द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ द क्रेडिट रिसीव अगेंस्ट ईच बॉन्ड namely the particulars of the bank account to which the amount has been credited and the date of such credit। हालांकि सीजीआई चंद्रचूर इलेक्शन कमीशन से काफी नाराज दिखे क्योंकि उनके पास टिल डेट के इलेक्टोरल बॉन्ड्स डोनेशन की इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं थी। बेंच ने पॉइंट आउट किया कि उनकी 2019 के इंटरिम ऑर्डर के तहत इलेक्शन कमीशन को अभी तक के सारे डेटा को मेंटेन करना था। हालांकि इलेक्शन कमीशन की ओर से मौजूद एडवोकेट अमित शर्मा ने बेंच को बताया कि पोल पैनल इस इम्प्रेशन के अंडर थी कि उन्हें सिर्फ 2019 के जनरल इलेक्शंस तक के डेटा को संभाल के रखना था। हालांकि बेंच ने ये सबमिशन एक्सेप्ट करने से ही रिजेक्ट कर दिया। सीजीआई चंद्रचूड़ स्टेटेड बट वी डिडंट फ्रीज द डेटा व्हिच वाज टू बी मेंटेन्ड यू वर टू कंटिन्यू कलेक्टिंग द डेटा। इस पॉइंट पर जस्टिस कॉल ने भी कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन को उस ऑर्डर से कोई डाउट था तो उन्हें कोर्ट से क्लैरिफिकेशन सीक करना चाहिए था। ही स्टेटेड यू शुड हैव गॉट द डेटा व्हेन यू वर कमिंग टू द कोर्ट वी रेड आउट दैट ऑर्डर दैट डे ऑल ऑफ अस एक्सप्रेस्ड अ व्यू एंड वी एक्सपेक्टेड यू टू कम बैक विद दैट डेटा। इस पॉइंट पर इलेक्शन कमीशन ने आश्वासन दिया है कि वे अभी तक के सारे डेटा को कलेक्ट करके बेंच के सामने जल्दी पेश करेंगे। The council also handed over to the court the sealed cover containing the data furnished by the political parties in terms of the April 2019 order. Supreme Court ने एक order pass करते हुए election commission को सारे political parties द्वारा funds received through electoral bonds till 30 September तक की detail मांगी है और कहा है कि ये data court के registry में एक sealed cover में submit होना चाहिए। ये तो बात हो गई election commission को order देने की और अब बात करते हैं कि supreme court ने तुषार मेहता को कौन से points consider करने को कहा है। तीन दिन की hearing के बाद supreme court की bench इस नतीजे पे पहुंची है कि electoral bond scheme में deficiencies बहुत है और इनको कम करने के लिए एक अल्टरनेटिव सिस्टम बनाया जा सकता है। सीजीआई ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोर्ट वापस कैश ओनली सिस्टम पर जाने को नहीं बोल रही है और बस इस सिस्टम के फ्लॉस को एक्सेप्ट करने के लिए बोल रही है। ही स्टेटेड वी डू नॉट वांट टू गो बैक टू अ कैश ओनली सिस्टम वी आर सेइंग डू इट इन अ प्रोपोर्शनल टेलर मेड सिस्टम विच ओवरकम्स द सीरियस डेफिशिएंसीज ऑफ दिस इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम। हालांकि बेंच ने इस बात को साफ किया कि इस मामले में सिर्फ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ही कोई फैसला ले सकती है। सॉलिसिटर जनरल को बताते हुए सीजीआई ने कहा यू कैन स्टिल डिवाइस अ सिस्टम विच बैलेंसेज आउट इन अ प्रोपोर्शनल वे हाउ इट इज टू बी डन इज फॉर यू टू डिसाइड वी विल नॉट स्टेप इनटू दैट अरेना दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर फंक्शन। इसी के साथ कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल मेहता को पांच और पॉइंट्स कंसिडर करने को कहा विच आर द नीड टू रिड्यूस द कैश एलिमेंट इन द इलेक्शन प्रोसेस द नीड टू एनकरेज ऑथराइज्ड बैंकिंग चैनल्स इंसेंटिवाइजिंग यूज ऑफ बैंकिंग चैनल्स द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी प्रिवेंशन ऑफ लेजिटिमाइजेशन ऑफ किकबैक्स एंड क्विड प्रोको। कोर्ट ने हालांकि इस बात को फिर से दोहराया कि उन्हें पता है कि इस मामले में कोई फैसला एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर ही ले सकती है और ये इसलिए किया गया
कि आए दिन सेंटर से इस मामले में कोई झगड़े ना हो। अब ये देखना होगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला कब डिस्क्लोज करती है। D3 की डिटेल वीडियो से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।